अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि आप लोग जहां भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें। आमीन सुमामीन। सीन कुछ यूं है कि आज मम्मा ने साफ साफ इनकार कर दिया है शाम की हांडी रोटी करने से। मम्मा जी भाइयों के कपड़े सिलाई कर रही हैं और मम्मा ने कहा है मेरे को एक काम होना है, या कपड़े सिला लो या काटे काम करवा लो। तो आज हम दोनों बहनों को मिलके हांडी रोटी करनी पड़ी है। तो अगर मैं इसे ना कहती तो इसे तो नहीं आना था, इसको तो बस खेलों की पड़ी हुई है, तो फिर मुझे अकेली करना पड़ना था। तो मैंने कहा लाजमी घर में शो मानी मैंने अकेली ने काम की है, तो चलो साथ आमना को लगा लेते हैं। तो आज अब आमना माजी प्याज काट रही है, छुरी बाजी मैनू नहीं कहना, वो कह रही है मैं काट रही प्याज तू बह जा। मैं ठीक है भाई अल्लाह भी सदे काटा आपको, मैंने कहा ना छिलका उतारो आप ना, मेरा काका प्यारी बहन है ना, अच्छी बहन ऐसे नहीं करती। लो जी जैन भाई आ गए गोश्त लेके, मसा ही पहुंचे असि रो रो कमलिया। वालेकुम अस्सलाम। असि रो रो के कमलिया आ गए कि जैन पता नहीं कितने चला गया। मैंने पता प्यारा किने दा है 320 रुपए दा है, 640। लो जी हुसैन भी आ गया भिंडी लेके, तो आज हम पकाने लगे हैं भिंडी गोश्त। हम छोटे होते खाते होते थे भिंडी गोश्त पापड़, उसमें भी इतनी मिर्च होती थी आंखों से पानी निकल आता होता था। जो अब प्याज काटते काटते निकल आया, दो महीने आ गए इन्होंने वो कर लिया से, छाड़ दे नहीं छाड़ दे मावे मेरी है छाड़ दे। घर का काम कहते काम काम करे जो रोना ही पैंदा है, या तो काम दे ना तो रो लो, तो या फिर काम कर दिया रो लो, आदी मर्जी होती। पागल हो गई अखा से पानी निकली जाते तो फिर भी मेरे तो पूरी हट दी नहीं जा सुने मैं कर देनी लेकिन तो सही आ जाम ना बना ले पिंडी गोश्त। ओ बस भैया हर मन नहीं ना, नहीं नहीं मैं भी ना। चलें जी अल्लाह अल्लाह करके हमारी सब्जी बन गई है और शाम की अजानें हो गई हैं। भाई मस्जिद चले गए हैं, मम्मा कह रही थी कि भाइयों ने तुम ओवे करते गुस्से हो रही थी हमें, तो हमने प्याज वगैरह दोनों बहनों ने मिलके कर लिए थे। अब आमना भिंडी साफ की गई है और मैं जल्दी जल्दी उसे काटी गई हूँ। अब भिंडी काट ली है, चलो जी शुक्र है। बाकी सारा सामान हमने रख लिया साथ साथ, मैंने आमना कहा कि रख दो बाकी चीजें। चलो आमना आ जाओ। चले जी अब सबसे पहले हम भिंडी को फ्राई करेंगे। अब मैं ऑयल डालने लगी हूँ। आमना आज रोटियां बनाएगी है आमना? नहीं नहीं वो भी शेयर के नहीं बनाऊ। अब ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करके फिर भिंडी को फ्राई कर लेंगे। चले जी ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी भिंडी। मासी ना करे लो आई खुश कर रहा हूँ सने। बिस्मिल्लाह एक ही बार मैंने डाली, मैंने कहा जल्दी जल्दी हो जाए असी खुआती हूँ माँ प्यो को आगे। सर खुश कर लगा लगाया और लगाओ गलत कर रहे। हाँ अब इसको इस तरह हाथ पे रखो, खुशके वाली साइड रखो, खुशके वाली साइड हैंड पे रखो। हाँ अब इसको इस तरह करो, इसको इसके ऊपर ऐसे, अच्छा ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे। माशाल्लाह जी भिंडी हमारी तैयार हो गई है, तो समझो आधा काम हो गया है। भिंडी फ्राई करना ही थोड़ा मुश्किल होता है, ये काम हो गया समझो आधी से ज्यादा अंडिया पक गई, बाकी फिर ये बाकी तो फिर पकानी होती है सारी अंडिया। भिंडी पकाने का एक मेन काम ये होता है कि भिंडी को फ्राई करना होता है बस, बाकी तो दूसरी अंडिया की तरह ही बनती है। छोटी बाजी क्या कर रही है? छोटी बाजी रोटियां बना रही। मेरा ध्यान ही नहीं क्या क्या कर रही। वाह मेरे से तो अच्छी रोटी बेल लेती है।
चलो आपने उठो, मैं बनाती हूँ रोटी। मम्मा जी एक रोटी मैंने। चलो जी आज आमना ने बनानी है एक रोटी, देखते हैं आमना कैसी रोटी बनाती है। आप चूल्हा बाली में कोई बात फिर तेन आंदा है की रोटी का अद्धा अद्धा काम तेन चूल्हा चलाना नहीं जी अद्धा काम होंगे रोटी। अच्छा बेल ना रोटी सारी बेलने के साथ चिपक गई। हाँ आमना तू तीन बारी हमें काटा पेड़े का आटा खराब हो जाए। भिंडी मैंने निकाली है, अब मैं इसके अंदर डालूंगी प्याज। भिंडी में ना प्याज काफी ज्यादा डलते हैं तो थोड़ा ऑयल ज्यादा रखिएगा। आखिरकार मम्मा से रहा नहीं गया और मम्मा जी आ ही गई हैं। जो हमारी हरकतें थी ना रात 12-1 बजे ही पूरी होनी थी, हांडी रोटी और सुबह नाश्ते में भिंडी को सिखाया जा रहा था इसलिए मम्मा आ गई। मैं कहती रुको मैं करवाती हूँ साथ हो, मैं नहीं ताड़ी करवाती रोटी। फिर जैन से इन्हें भूखे सो जाना था, ईशा ईशा होकर तो आना तो है ना, तो फिर उन्होंने भूखे ही सो जाना था कि इन्हें भी आनी रोटी नहीं होनी, सुबह आ जाए खुवा। अब प्याज को भी अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है, अगर हो गया तो जितना प्याज है घंटा आ गया ना प्याज। माशाल्लाह जी तड़का हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसके डाले अंदर डालेंगे गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। सिर्फ भूनना नहीं गलाना भी है, गलाना भी है क्योंकि भिंडी गली हुई है, फिर ना क्या जी भिंडी पवा भाजी। अज तो मेन लगता अस 10 बजे रात की रोटी खानी है। काफी अंधेरा हो गया, मम्मा जी ने रोटियां बना ली हुई हैं और बाकी सारा काम हो गया, बस मैं रह गई हूँ। आयशा तू भी कुछ कर ला, मेरे वास्ते होंगे ना मैं इंज पका देगी, पर वास्ते चूल्हे के वास्ते है और मैं इतने की करा। ये इधर ये ला अम्मा जी। चले जी हमारा गोश्त रेडी हो गया, अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी भिंडी और टोटल 4 से 5 मिनट से हल्की आंच पे दम के तौर पे रखना है बस। चलो जी अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी। और अब फिर इसे 4 से 5 मिनट हल्की आंच पे रख लेंगे और भिंडी का सालन तैयार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 9 बज गए। चले जी सालन हमारा तैयार हो गया है। तो जी प्यारे व्यूअर्स आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताना है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अब पापा जी को खाना देके तो पापा जी से पूछते हैं पापा जी कैसा बना है खाना रात 10 बजे।